अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और ये नया हमारा मसाला टीवी फूड मैगज़ीन नवंबर का शुमारा आ चुका है, आप भी घर लाइएगा और फ़ायदा उठाइए। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं सारे हमारे शेफ़्स की, इट्स जस्ट फॉर 160 रुपीज़। और मेरी फूड डायरीज़ की कौन सी रेसिपीज़ हैं मैंने यहाँ मार्क करके रखा हुआ था, द श्री राजा सोया पोटैटो सैलड है इसमें, ठीक है। उसके अलावा चिकन रोटी रैप्स हैं, और उसके अलावा कबूली है जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी और बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि ये क्या काबुली पुलाव है, ये नहीं कबूली अलग है। फिर फ़िश फिंगर्स हैं, फ्राइड कुकीज़ हैं, एंड हमारे दूसरे सारे शेफ्स की रेसिपीज़ हैं, इंग्लिश में हैं, उर्दू में हैं, और बहुत सारे मुफीद इसमें मज़ामीन भी हैं। तो ज़रूर घर लाइएगा और इसको पढ़िएगा। आज हम दो मीठे बना रहे हैं, शाही टुकड़ा, गाजर हलवा, ऑल इन वन, ठीक है। एक वो रेसिपी है, आप सोचेंगे ये कैसे बनेगा, और हम क्रीमी ब्रेड रोल्स बना रहे हैं। तो डबल रोटी बाकी हो, घर में बच गई हो, स्टेल हो, लेफ्ट ओवर हो, उससे आप दो चीज़ें बना सकते हैं, और बहुत ही आसान है, हर चीज़ घर में होती है, ठीक है। सो हम गाजर का हलवा बनाएंगे, रबड़ी अलग से बनाएंगे, हम ब्रेड के पीसेस को अलग से फ्राई करेंगे, शीरे में डिप करेंगे, और फिर किस तरह सर्व करेंगे वो आप देखिएगा। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, लेकिन दो मिठाई या दो मीठे, दो देसी डिजर्ट्स इन वन, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारा काम है, यहाँ मैंने 1 लीटर दूध ले लिया था, उसको गर्म करने रख दिया था ताकि थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, ठीक है। डाला मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं था। इस पैन में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, और पानी और चीनी का मैं शीरा बना दूंगी ताकि हम डिप कर सकें ब्रेड के स्लाइसिस को फ्राई करने के बाद। यहाँ है चीनी, चीनी पानी का शीरा है, ये दूध उबल रहा है। दूध जब उबाल आ जाएगा फिर इसमें हम, काफ़ी दफ़ा तो उबाल आ चुका है, मैंने बस हल्का कर दिया था, ज़ाफ़रान हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। और आप इसमें बादाम पिस्ते कुछ डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं। सो आई हैव गॉट सम आमंड्स हियर ऑल्सो, इसमें से डाल देते हैं, ये बादाम थोड़े से चले जाएंगे, ठीक है। और हम इसमें थोड़े से पिस्ते शामिल कर देते हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं, और ज़ाफ़रान है, और दूध को अच्छी तरह आपने उबालना है, इतना उबालना है 30-40 मिनट के वो आधा हो जाए। मैंने बस शो शुरू हुआ था उससे पहले रख दिया था। यू हैव टू कीप बॉइलिंग दिस, साइडों को इस तरह साफ करते जाइएगा ताकि ये जो साइड में लगता रहता है ना अलाई इसकी, वो अंदर आप इसको इनकॉर्पोरेट करते रहें, ठीक है, ये करते रहिएगा बस। अच्छा, अलग से अब दूसरा मैं स्टेप्स शुरू कर दूँ कि मुझे क्या करना है। ब्रेड को हम काटेंगे, बड़े ब्रेड के स्लाइसेस हैं तो मैं इसको 4 में काट लूँगी इस तरह, क्रस्ट इसका अलग कर देंगे, और फिर इसको हम फ्राई करेंगे घी में या तेल में या मक्खन में, और फिर उसको एक तरफ रख लेंगे। फ्राई होने के बाद हम इसको डिप करेंगे चीनी पानी के शीरे में, और फिर उसको एक तरफ रख लेंगे, ठीक है। सो जैसे हम बनाते हैं शाही टुकड़ा, वैसे थोड़ा सा डिफरेंट विथ अ ट्विस्ट, ठीक है। देखिएगा किस तरह हम ये ग्लासेस जो मैंने रखे हुए हैं अपने टेबल पे, उस ग्लासेस में हम नीचे रखेंगे गाजर का हलवा, ऊपर रबड़ी, और फिर उसके बाद साइड में हम रख देंगे आर फ्राइड ब्रेड स्लाइसेस। कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ सा लेकिन मज़ेदार सा, वही आपका देसी डिज़र्ट लेकिन विथ अ ट्विस्ट। ओके, अब साथ साथ गाजरों को भी पकाना शुरू करना पड़ेगा मुझे, सो आई यूज़ माई शेयर। हमेशा साफ बर्तन हो, धो के भी अगर आप रखें तो घी लेना रखिएगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ लेना चाहूँगी थोड़ा सा घी, देसी घी है मेरे पास ये, ठीक है। दूध का थोड़ा चूल्हा मैंने कम कर दिया है, इसको मुझे बस उबालते रहना है। बादाम पिस्ते और ज़ाफ़रान डाला हुआ है हमने, ओके। घी जब पिघल जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूंगी गाजर, ठीक है। ये गाजर है यहाँ 700 ग्राम जितने गाजर हैं, खुरच दीजिएगा अच्छी तरह साफ करके, फिर बीच में का जो हार्ड पार्ट हो वो भी निकाल दीजिएगा, वो नहीं साथ साथ खुरच दीजिएगा। अच्छा, ये जो साइड में लगता जा रहा है इसको आई वॉन्ट टू पुट दिस इन। चीनी पानी का शीरा भी हमारा हो रहा है यहाँ तैयार,
ओके नाउ गाजर के लिए घी जो है वो हो गया, तो इसमें आपने गाजर शामिल कर दिए। अभी तो यहाँ सर्दी आई भी नहीं है कराची में, आई एम श्योर नॉर्दर्न एरियाज़ में दूसरे शहरों में तो आ गई है। और लाहौर वाले हमें बताइए, सर्दी है, गर्मी है, क्या है, गर्म कपड़े लेके आए एक्सपो पे के क्या करें? आई एम श्योर इट्स नॉट वेरी कोल्ड देयर येट। स्मॉगी सा हो जाता है लाहौर हर दफ़ा एक्सपो पे, मैं नोट करती हूँ स्मॉग फॉग बहुत होता है। ओके चलें, ये हमने डाल दिया इसमें। इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे, कंडेंस मिल्क डालेंगे, खोया या ड्राई मिल्क पाउडर डालिए आप इसमें, या दोनों डाल दीजिए। और उसके बाद बादाम, किशमिश, जो भी, अखरोट, काजू, व्हाटएवर। तो ये आपका गाजर का हलवा हो जाएगा। समथिंग डिफरेंट बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। दो कोई भी देसी मीठों के नाम आज बताइए तो आप जीत सकते हैं डीलक्स पिज्ज़ा पैन इनेक्स की तरफ से, जो गिफ्ट है आज हमारे शो पे। मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। एनआईसी कार्ड का मतलब होता है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड का नंबर, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे लिखा है कि कौन सा नंबर लिखना है, आईडी कार्ड का नंबर लिखना है। इसको आप अच्छी तरह ये देसी घी में या मक्खन में या तेल में, मैं जब भी मिठाई या ऐसी देसी डिज़र्ट्स बनाती हूँ आपको पता है मैं हमेशा घी का इस्तेमाल करती हूँ, वो भी देसी घी। उसमें अपना एक टेस्ट होता है, एड्स टू द टेस्ट ऑफ योर मिठाई या मीठा जो भी आप बना रहे हैं। दूध को आपको काफ़ी उबालना पड़ेगा टू मेक इट इनटू अ नाइस थिक रबड़ी टाइप, ठीक है। मैं घर से उबाल के नहीं लाई तो मैं यहाँ इसको छोड़ दूंगी एक चूल्हे पर। आप चाहें तो थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल बिट पीला रंग डालेंगे, बहुत थोड़ा सा डालेंगे, just to give it a nice color. बस दैट्स व्हाट आई वांटेड, कि हल्का सा अच्छा सा कलर आ जाए इसमें। ज़ाफ़रान तो हमने डाला है मगर अच्छा सा एक कलर आ जाए। ओके चलिए, जब तक मैं यहाँ गाजरों को सॉटे कर रही हूँ और यहाँ दूध उबाल आ रहा है, चीनी पानी का शीरा बन रहा है, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। बैक जी, देखें यहाँ दूध को और मैं उबालने रख दिया है, चीनी पानी का शीरा हो गया, उसका चूल्हा बंद कर देते हैं। यहाँ मैंने घी को पिघला दिया था सो दैट आई कैन फ्राई माय क्या कहते हैं ब्रेड के पीसेस को इसमें, ठीक है। सो ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस कर दीजिएगा ताकि अच्छा सा लगे, ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े होने चाहिए। इसको हम तल लेंगे घी में या तेल में या मक्खन में, और फिर जब क्रिस्पी से हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम टर्न कर देंगे, दूसरी साइड भी होने देंगे और फिर चीनी पानी के शीरे में डिप कर देंगे और निकाल के एक तरफ रख लेंगे। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, नोट करिएगा अपनी डायरीज़ में, बनाइएगा ज़रूर, और ये आपको काम आएंगे किसी दावत में या किसी भी लंच डिनर पर, बहुत अच्छा लगता है सेंटर पीस डिज़र्ट ऑन योर टेबल। आज हमारे कॉलर्स और व्यूअर्स सो गए हैं क्या, फ़ोन नहीं कर रहे हैं और क्या मैसेजेस कर भी रहे हैं कि नहीं? फातिमा बताइए ना ज़रा, जल्दी से नंबर भी तो चलाइए ना, नंबर चलाइए ताकि लोग फ़ोन करें हमें और जवाब दे दें। 888-1 पे SMS करके हमें बताना है, अगर डीलक्स पिज़्ज़ा पैन जीतना है इनको, के कोई भी दो देसी मीठों के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर यानी आईडी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मिसेस नवाज़ हैं फैसलाबाद से जी, हेलो। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आपकी आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके सवाल का जवाब दूँ जी, खीर, शाही टुकड़े, शाही सेवियाँ और गाजर का हलवा, और बस यही है आपकी? बस यही, ठीक है, ओके। गाजर कहाँ गए? गाजर मैंने वहाँ रख दिए हैं, थैंक यू सो मच। अभी सोच रही थी गाजर कहाँ चलेगा यहाँ से, अब मैं गाजरों को यहाँ रख देती हूँ, शीरा हटा देती हूँ बिकॉज आई हैव टू कुक द गाजर फर्दर, ठीक है। मैंने सिर्फ घी में
गाजरों को भून लिया था इस तरह, एक्सेस जिसका पानी हो ना वो सब निकल जाएगा. ओके डन. ठीक है, अब इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डालूंगी वो मैं आपको बताती हूँ. चीनी जाएगी इसमें, कंडेंस मिल्क और ड्राई मिल्क पाउडर. चीनी जाएगी, कंडेंस मिल्क और ड्राई मिल्क पाउडर. लेकिन इसको ज़रा हम पहले टर्न कर लेते हैं, क्रिस्पी हो जाएं, गोल्डन हो जाएं, तो आप इनको टर्न कर दीजिएगा. ठीक है, ये हो गए हैं, इनको निकाल देते हैं. ये भी हो गया है. मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ टोस्ट जो फ्राई हो गए हैं. फिर हमें इनको शीरे में भी डिप करना है. बहुत ब्राउन नहीं कर दीजिएगा, बहुत ब्लैक नहीं हो जाए. देसी घी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है. टोस्ट सा नाइस एंड क्रिस्प. दूसरे भी इसमें डालते हैं अभी, और थोड़ा सा घी भी डाल देते हैं साथ साथ. ब्रेड के स्लाइसेस हो जाने दीजिए. वहाँ चीनी शोर कर रही है, उसमें हमें कंडेंस मिल्क डालना है. कंडेंस मिल्क है और मिल्क पाउडर है. गाजर, चीनी, कंडेंस मिल्क, मिल्क पाउडर. आलिया है सियालकोट से. जी सलामकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आपका क्या हाल है जनाब तपी? मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप सुनाइए जनाब तपी. माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, और ये आप जो सी रेसिपी बना रहे हैं ना, ये मैं इतवार वाले दिन बनाऊंगी, गेस्ट आएंगे तो. जी जरूर बनाइएगा. और आप आ रही हैं कि नहीं लाहौर हमें मिलने? बताऊंगी कैसी बनी थी. हाँ जी, फोन करके फिर बताऊंगी कैसी बनी थी. सबको पसंद आई थी. और आप आएंगी लाहौर? आएंगी कि नहीं एक्सपो सेंटर? नहीं जन्नत अपनी, मैं नहीं आ सकती. नहीं आ सकती, दूर लगता है जी. और मैं घर पे अकेली होती है ना भाई, कहाँ पे थे, और घर पे और कोई नहीं, अम्मी अबू भी नहीं है, तो मैं किसके साथ फिर आऊंगी. अच्छा 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 जी, आपको सवाल का जवाब दे दो जी. मालपुरा जी, मेसू पाक, सूजी की पंजीरी, गुड़ और सूजी का हलवा, सवैयों का जर्दा, कवामी सवैया और जर्दा. ओ वाह, मेरे तो मुंह में पानी आ गया भाई, थैंक यू. खा ले फिर, आप आए हमारे घर सियालकोट. जी जी, नोट कर दिया है जवाब सबके, हम नोट करते हैं. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी. बस ये टोस्ट आपके हो जाएं तो बस हम निकाल देते हैं. बहुत सारे हो गए, इतने सारे नहीं करेंगे. और इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं, और इस टोस्ट को हम इसमें यहाँ हमारे प्लेट पे रख देते हैं. अब इसका काम ख़त्म. ये अभी तक जो रबड़ी टाइप हम बना रहे हैं इसको मैं इतना ट्राई कर रही हूँ कि ये अच्छा, ये इसको छोड़िएगा नहीं. हाँ, ये नीचे कंडेंस मिल्क लग जाएगा तो ब्राउन बिट्स हो जाएंगे. अभी इसको हमें थोड़ा पकाना है. मिल्क पाउडर मैंने डाला है, कंडेंस मिल्क डाला है. अब आप थोड़ा सा इसमें खोया शामिल कर सकते हैं. ये खोया चला गया, अब बचा सकते हैं ऊपर से डालने के लिए. मैंने सारा अंदर डाल दिया, नाइस एंड थिक एंड क्रीमी एंड इतना मज़ेदार. बस एक चम्मच खा सकते हैं, इतना ही खाइएगा. कम कम बनाइए मज़ेदार से डिज़र्ट्स, और खाइए कम लेकिन बनाइए ज़रूर, और हमें फीडबैक भी तो दीजिए. अच्छा जी, चीनी पानी के शीरे में इन टोस्ट को हमें डिप करना है, जिसको मैंने देसी घी में फ्राई कर दिया था. और ये इस तरह ब्रेक अप द खोया पीसेस. खोया में बहुत सारा ला के फ्रीज कर देती हूँ, फिर जब भी चाहिए तो निकालो और इस्तेमाल करो. और फ्रोज़न खोया क्रम्बल हो जाता है जल्दी से, थॉ हो जाता है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, मैं रिपीट कर दूं मैंने क्या क्या डाला था. घी गरम किया था, उसमें मैंने गाजर डाल के भून लिए थे 7 से 10 मिनट तक. फिर चीनी डाली थी, कंडेंस मिल्क, ड्राई मिल्क पाउडर डाला था मैंने उसमें, और मैंने इसमें खोया भी शामिल किया था. अब आप इसमें जो भी नट्स, ड्राई फ्रूट्स, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड. मैं थोड़े से इसमें किशमिश डालूंगी, और मैं थोड़े से इसमें पिस्ते शामिल करूंगी. थोड़े से पिस्ते ऊपर से डालेंगे, बादाम डाल देंगे, यहाँ बादाम है.
और चमचा चलाते रहिएगा, नीचे कुछ लग ना जाए, स्पेशली कंडेंस मिल्क वो लग जाएगा तो वो ब्राउन ब्राउन पीसेस आ जाएंगे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और खोए को इस तरह तोड़ दीजिए, चीनी का अपना पानी निकलता है, गाजर का अपना, इसलिए गाजर को पहले ही आप सॉटे कर दीजिएगा, सब कुछ डाल के फिर नहीं पकाइएगा, गाजर को पहले सॉटे करिएगा। तो ग्लास में नीचे पहले ये गाजर का हलवा आएगा, फिर उसके ऊपर ये रबड़ी आएगी, उसके ऊपर फिर ये ब्रेड के हम टुकड़े रखेंगे, उनको मैंने अभी सोक भी करना है। जब तक मैं इसको चला रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। अगर आपको जीतना है मिलक्स पिज्जा पैन इनिक्स की तरफ से, तो आप देसी मीठों के नाम को मज़ेदार से सोचिएगा, ठीक है, ताकि जारनक के मुंह में पड़ते ही पानी आ जाए। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। देखें यहाँ रबड़ी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, 1 लीटर दूध था उसमें मैंने क्या किया था पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। देखें दूध लिया था, 1 से 1.5 लीटर लीजिएगा, डिपेंड्स आपको कितना बनाना है, कितना आपके पास टाइम है, रबड़ी कितनी आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने क्या किया, आपने उस दूध को डाल दिया एक पैन में, खूब उबालिएगा आधा घंटा पौना घंटा, मैंने 12:30 से 1.5 हो गए हैं, देखें 1 घंटा हो गया है, फिर भी दिस रबड़ी इज स्टिल वेरी लिक्विडी, इसको मुझे अभी तक अभी पकाते रहना पड़ेगा दूसरे चूल्हे पे, जब तक मैं सेकंड रेसिपी की तरफ भी आऊँगी, बिकॉज इट्स स्टिल लिक्विडी, आई वॉन्ट टू मेक इट नाइस एंड थिक। अच्छा जी, उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी 2 चम्मच भर के, दानेदार हो पिसी हुई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें मैंने ज़ाफ़रान डाला था, एसेंस डाल दें ज़ाफ़रान आज क्रश करके डाल दें, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और थोड़ा सा मुझे कलर येलो चाहिए था तो मैंने इसमें थोड़ा सा चंद कतरे येलो रंग के डाल दिए, बादाम पिस्ते आप डाल दीजिएगा, काजू किशमिश अखरोट जो भी आपको चाहिए, व्हाटएवर, नहीं डालना है नहीं डालिएगा, ठीक है। इसको निकाल के ठंडा करिएगा, फिर मैंने क्या किया, घी गरम किया, उसमें मैंने ब्रेड के स्लाइसेस छोटे छोटे काट दिए ट्रायंगल्स में, और मैंने वो उस घी में तल दिया, फिर चीनी पानी का जो मैंने आपके सामने शीरा बनाया था उसमें डिप करके मैंने यहाँ रख दिए, ये चीनी पानी में डिप हुए फ्राइड ब्रेड टोस्ट हैं, ठीक है जी, ओके। फिर मैंने घी गरम किया, उसमें मैंने गाजर डाल दिए, 6-7 बड़े गाजर थे, कुरचिएगा अच्छी तरह साफ़ करके, और फिर उसको आप भून लीजिएगा, गाजर का जो पानी होता है एक्सेस पानी उसको निकल जाने दीजिएगा, मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाए उसका, ठीक है जी। फिर उसमें हमने डाला कंडेंस मिल्क, मिल्क पाउडर, चीनी और बादाम किशमिश काजू अखरोट व्हाटएवर यू वांट टू ऐड, वो ऐड करके खूब मैंने चलाया, और बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, नीचे लग जाएगा, इसलिए कि कंडेंस मिल्क जब नीचे लग जाता है ना तो फिर बहुत ही बुरा सा टेस्ट आता है, ब्राउन ब्राउन हो जाता है, ठीक है, वो नहीं होने दीजिएगा। उसके बाद आपने उसको ठंडा करने रख दिया है, लेकिन मैंने उसको जब ठंडा करने रखा तो मैं भूल गई कि मैंने उसमें इलायची पाउडर भी डालना था, वेयर इज माई, इलायची पाउडर डाल देते हैं ताकि ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हो जाए, ये देखें इलायची पाउडर, और मिक्स कर दीजिएगा, इतना गाढ़ा है ये, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, गाजर का हलवा माय स्टाइल यूजिंग कंडेंस मिल्क एंड खोया एंड मिल्क पाउडर, ठीक है। हमीदा हैं कराची से जी, उनसे बात करते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, हेलो 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 जी, वालेकुम जी, फरमाइए, वालेकुम अस्सलाम, टीवी का वॉल्यूम, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा जी, टीवी बंद है जी, बोलें जी, शाही टुकड़े, खीर और रबड़ी, और कुछ सोचें, और दूध लारी, रबे शीरी, ठीक है, और बेसन का हलवा, चने की दाल का हलवा, एक्सेलेंट, यम्मी की कतली, मुंह में पानी आ रहा है मेरे कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज ये अभी हो रहा है, बिल्कुल नीचे लग जाएगा, ठीक है, बस गाढ़ा सा काफ़ी हो गया, इसको मैं अब मुझे असेंबल, आप सोचेंगे कैसे करेंगे, तो जो हम गाजर का हलवा मैंने ठंडा करने इसलिए रख दिया है थोड़ा सा, बिकॉज मैं इन ग्लासेस में निकालूंगी तो ग्लासेस क्रैक हो जाएंगे, इतना हम गाजर का हलवा निकालेंगे, उसके ऊपर 2 चम्मच हम ये रबड़ी के डालेंगे, और ये टोस्ट या आप अंदर स्टिक इन कर दीजिए या साइड में रखिए, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर गाजर हलवा शाही टुकड़ा मिक्स, ठीक है, माई स्टाइल, थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर ट्राई करिएगा, बादाम पिस्ते कुछ भी हो वो थोड़े से रखिएगा ऊपर छिड़कने के लिए,
सो डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज डिफरेंट रेसिपीज एज वेल. क्रीमी ब्रेड रोल्स हैं हमारे, दूसरी रेसिपी वो भी मीठा ही है, डबल रोटी बच जाए क्या बनाएं, जो दो चीज़ें बना सकते हैं आप, और ये सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं. ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए भी मुझे दूध को उबालने रखना है. चीनी, बादाम, काजू उसमें डालेंगे हम. फिर हम एक अलग पैन में मिल्क पाउडर वगैरह उसका रबड़ी टाइप बनाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस को हम रोल करेंगे, बेलन के साथ रोल कर देंगे, फ्लैट कर देंगे, और उसको फिर हम भरेंगे इस रबड़ी के साथ, और उसको फिर हम रोल करेंगे, और फिर जो बाकी होगी वो सब रबड़ी वगैरह, दूध वगैरह, वो ऊपर से जाएगा. ठीक है, सो ये आपके दो डिज़र्ट्स बन जाएंगे एक डबल रोटी के लोफ में से. चलो ये हो गया है, इसको मैं निकाल देना चाहती हूँ इसमें, ताकि फिर ये ठंडा हो जाए, तो आके मैं इसके ऊपर डाल दूँ. एक रेसिपी हमारी कंप्लीट हो जाए. ठीक है, ये देखा इतना गाढ़ा है, ये एक लीटर दूध उबालने रखा था, एक घंटा लगता है, ये पहले से भी करके आप रख सकते हैं. दूध उबाल के रख दीजिए, फिर इजी हो जाएगा, जल्दी आसानी से आप बना सकते हैं. ठीक है, ये देखें, ज़ाफ़रान वगैरह इसमें है, वेस्ट कुछ भी नहीं करिएगा, सब कुछ स्क्रेप कर दीजिएगा यूजिंग योर स्पैचुला, ताकि हर चीज़ अंदर आ जाए, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करिएगा प्लीज़. ये अलग से भी खा सकते हैं चम्मच के साथ. मुझे मीठों का बहुत शौक़ है, वैसे इतना खाना भी पसंद है, लेकिन मीठा बहुत ज़्यादा. मैं कहीं खाना खाने जाती हूँ ना, पहले मीठा डिज़र्ट मेन्यू चेक करती हूँ कि भाई क्या है मीठे में, क्या है यहाँ. चलिए, दिस इज़ योर मज़ेदार सी सैफ्रॉन फ्लेवर्ड एंड येलो कलर्ड रबड़ी, इसको हम रख देते हैं फ्रिज में. आप लोग गरम गरम चीज़ें प्लीज़ फ्रिज में नहीं रखिएगा, वी हैव नो चॉइस बट टू स्पीड अप द प्रोसेस कि जल्दी से ठंडा हो जाए. तो जैसे मैंने समझाया था आपको, अब ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है, थोड़ा सा ठंडा होगा, शो ख़त्म होगा, उस वक्त हम इसमें गाजर का हलवा भरेंगे, रबड़ी डालेंगे, और ये ब्रेड के स्लाइसेस जो टोस्ट हमने कर दिए थे, घी में फ्राई कर दिए थे, चीनी पानी के शीरे में डिप किए थे, वो उसके साथ सजा के पेश कर देंगे. नाउ आई हैव टू स्टार्ट क्विकली माई नेक्स्ट रेसिपी, तो हम ब्रेक ले लें ताकि हम क्लीन अप कर दें. ओके, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं. जिन को जीतना है डीलक्स पिज्ज़ा पैन एनेक्स की तरफ से, जल्दी से 888 पे आप मुझे बताएंगे दो तीन मज़ेदार से देसी मीठों के नाम. ठीक है, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. ब्रेक. जी वेलकम बैक. ये दूध को मैंने उबालने या रखा है, गलती हो गई, मैंने साथ साथ दो पतीलों में कर देती तो जल्दी हो जाता. एनीवेज, थोड़ा सा मक्खन लेना है आपने, से अबाउट अ टेबल स्पून. ठीक है, फीका ले लें, ये वाला ले लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. हीट कर दीजिएगा इसको, पिघल जाए मक्खन. फिर हम इसमें दूध का पाउडर डाल देंगे, दूध डालेंगे. ठीक है, दूध वहाँ है, और हम क्या डालेंगे इसमें, इसको पकाते रहेंगे पकाते रहेंगे. दूध का पाउडर है, दूध है, और मक्खन है. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखें, यहाँ मेरे पास बादाम है, काजू हैं, ज़ाफ़रान है, पिस्ते हैं, फ्लेक्ड आमंड्स हैं, चीनी है, जो भी आपको जिस तरह भी इस्तेमाल करने हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं. दीज आर बेसिकली रबड़ी बनाइएगा या पतला दूध रखिएगा थोड़ा सा. ठीक है, और ये ब्रेड के रोल्स जो हैं बनाने हैं आपने, डबल रोटी का स्लाइस लीजिएगा, उसको फ्लैटन कर दीजिएगा बेलन से, फिर उसको आपने रोल कर देना है. ठीक है, जितना फ्लैट होगा उतना आसानी से ये ऐसे करके ना रोल हो जाएगा, और ये इसके एजेस हम काट लेंगे. ठीक है, और फिर हम इसको रखेंगे डिश में, और इसके ऊपर ये पूरी रबड़ी वगैरह डाल देंगे. देखिएगा, बनाइएगा, हम गार्निश करेंगे इसको, ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसके साथ, सम मिल्क. दूध का पाउडर है, दूध है, और मक्खन था, दोनों को हमें उबालना है. नाउ टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट, अब हम क्या करें. आप दूध को उबाल के शुरू करेंगे ना, तो आसानी से ये बन जाएगी रेसिपीज. वो दोनों चीज़ों को मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि ठंडा हो जाए. कांच के ग्लास में पहले हम गाजर का हलवा, फिर रबड़ी, और फिर ये ब्रेड के स्लाइसेस जो फ्राई किए हैं वो.
फ्राई किए हैं और चीनी में डिबोए हैं, चीनी पानी के शीरे में डिबोए हैं, ठीक है। ओके जी, दूध उबाला, आपने इसमें चीनी डाल देनी है, ये इसमें डाल देती हूँ मैं, चीनी डाल देनी है और फिर मैं सारे ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालूंगी। और अब इसमें आपने ज़ाफ़रान भी डाल देना है, ये ज़ाफ़रान है थोड़ा सा, एंड आई ऑल्सो एड सम ज़ाफ़रान एसेंस एंड कलर। ये एसेंस चला गया, ये थोड़ा सा रंग डाल देते हैं, ज़ाफ़रान दूध है और ज़ाफ़रान है, रंग है, ज़ाफ़रान एसेंस डाला, थोड़ी सी चीनी डाली, इसको पकने दीजिए। मीनवाइल यहाँ दूध का पाउडर है और ये ब्रेड को ऐसे ही नहीं, ये ब्रेड को पूरा सोक होगा, ये पूरा हम रोल करेंगे, इसको हम सोक करेंगे इन दिस, इट्स गोइंग टू बी सो हॉट, आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट बट वी विल डू इट समहाउ। पहले रोल कर दीजिए या बाद में कर दीजिए, व्हाटएवर। स्लाइसेस के जो क्रस्ट है ना वो निकाल देती हूँ साइड्स, इस तरह, ठीक है, सो इट्स इजियर टू मैनेज देम। क्रस्ट को फेंकिएगा नहीं, साइड्स को, उसको आप कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं उसके, ठीक है, ये इस तरह। फायजा है मुल्तान से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ, आपका शो मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। लाहौर आ रही है कि एक्सपो पे? नहीं, बहुत मुश्किल है, आजकल टेस्ट हो रहे हैं ना हमारे स्कूल में। अच्छा ठीक है, गुड लक आपके टेस्ट के लिए। जी गुड लक आपके टेस्ट के लिए। थैंक यू, वेलकम। आज कोई टेस्ट है? वो आज कोई सवाल है? हाँ आज टेस्ट है आपका। आज सवाल हमने रखा हुआ है कि आपने बताना है दो तीन देसी मीठों के नाम। दो तीन देसी मीठों के नाम? देसी मीठों के नाम जी, सोचिए सोचिए सोचिए। गाजर का हलवा। ओके, फिर? और नारियल की खीर होती है। ठीक है, फिर? और एसएमएस कर दीजिएगा। हो गया, ठीक है, ओके ओके ठीक है, नोट कर दिया है, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, मेरा ख्याल है ब्रेक पे चलते हैं, बिकॉज ये दोनों दूध ही उबल रहे हैं यहाँ अभी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। शाही टुकड़ा गाजर हलवा, अट्सा, दूध 1.5 लीटर, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चम्मच, चीनी 20 ग्राम, पिस्ते 1 खाने का चम्मच, बादाम 1 खाने का चम्मच, चीनी 200 ग्राम, पानी 150 मिलीलीटर, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चम्मच, पिसी इलायची 1/4 चाय का चम्मच, डबल रोटी हसबे ज़रूरत, घी फ्राई के लिए घी 50 ग्राम, कद्दूकश गाजर 780 ग्राम, चीनी 70 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 200 ग्राम, खुश्क दूध 150 ग्राम, बादाम 1 खाने का चम्मच, किशमिश 1 खाने का चम्मच, पिस्ते 1 खाने का चम्मच। गार्निश के लिए तरकीब, पैन में दूध गर्म करके ज़ाफ़रान और 20 ग्राम चीनी डालकर उबाल लें, फिर धीमी आंच पर इतना पकाएं कि दूध पककर आधा रह जाए। अब इसमें पिस्ते और बादाम डालकर मिक्स करें, फिर चूल्हा बंद करके ठंडा कर लें। उसके बाद पैन में 200 ग्राम चीनी और 150 मिलीलीटर पानी डालकर पकाएं कि चीनी घुल जाए। फिर इसमें 1/4 चाय का चम्मच ज़ाफ़रान और 1/4 चाय का चम्मच पिसी इलायची शामिल करके मिक्स करें और उबाल लें, फिर चूल्हे से हटा के ठंडा कर लें। उसके बाद घी गर्म करके
डबल रोटी की स्लाइस फ्राई करें और शुगर सिरप में डिप करते जाएं और 2 से 3 मिनट छोड़ दें। फिर 50 ग्राम घी गर्म करके कद्दूकश गाजर 7 से 8 मिनट दरमियानी आँच पर पकाएं। अब इसमें 70 ग्राम चीनी, कंडेंस मिल्क और खुश्क दूध शामिल करके मिक्स कर लें। साथ ही बादाम और किशमिश डालकर मिक्स करें। उसके बाद ग्लास में गाजर का हलवा डालें, ऊपर रबड़ी डालकर पिस्ते और फ्राइड डबल रोटी के स्लाइस से गार्निश करके सर्व करें। क्रीमी ब्रेड रोल्स। अज्जा, दूध 1 लीटर, चीनी 30 ग्राम, बादाम 25 ग्राम, काजू 25 ग्राम, मक्खन 1 खाने का चम्मच, दूध 500 लीटर, खुश्क दूध 100 ग्राम, नीम गर्म दूध 50 मिलीलीटर, ज़ाफ़रान 10 से 12 रेशे, डबल रोटी हसबे ज़रूरत, पिस्ते गार्निश के लिए। तरकीब, पहले 1 लीटर दूध को उबाल लें, फिर इसमें चीनी, बादाम और काजू शामिल कर दें और दूध को धीमी आंच पर पकने दें कि गाढ़ा हो जाए। उसके बाद 1 खाने का चम्मच मक्खन गर्म करके इसमें दूध और खुश्क दूध डालकर मिक्स करें। चमचा चलाते रहें कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। अब चूल्हा बंद करके पैन में एक तरफ रख दें। एक बोल में नीम गर्म दूध और ज़ाफ़रान मिक्स कर लें। अब डबल रोटी के किनारे काट कर बेलन से चपटा करें। फिर इन पर दूध और खुश्क दूध का मिक्सचर रखकर रोल कर लें। अब इन पर तैयार दूध और ज़ाफ़रान वाला दूध डालकर पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखें, जो दूध और दूध का पाउडर हमने पकाया था इतना गाढ़ा होना चाहिए मक्खन के साथ जो था, ठीक है, और हमने ब्रेड के स्लाइसेस को रोल किया हुआ है। तो ये ऐसे करके आप जो रोल करेंगे ना इनको, उसके अंदर आपको एक एक चम्मच ये डालना है। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी हॉट, ठीक है, मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा करके आपको दिखा देती हूँ। दूसरा हम ऊपर से पॉ कर देंगे बिकॉज इट्स नॉट मैनेजेबल, इट्स वेरी हॉट राइट नाउ। ये ऐसे करके आपने इसको रोल करना है और ये रोल्स आप ऐसे रखते जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हैं। और गाजर का हलवा शाही टुकड़ा आपने दिखाया हमारे नाजरीन को। बाहर आए कुछ भी हो, कोई मसला ही नहीं है, इसलिए कि मुझे तो वैसे भी इसके ऊपर ही पूरी रबड़ी डालनी है अभी। क्रीमी ब्रेड रोल्स आपके रेडी हो जाएंगे नो टाइम। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ठंडा करेंगे फिर आप रोल करेंगे, ठीक है, मेरी तरह नहीं जुगाड़ लगाइएगा बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली हॉट। नाउ व्हाट डू हैव टू डू, इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम ऊपर से डालेंगे, ठीक है, और जो हमने ज़ाफ़रान वाली रबड़ी डाली थी ना, दिस विल ऑल्सो गो ऑन टॉप। ब्रेड को सोक करना है आपने पूरा का पूरा इसमें, ठीक है, ब्रेड के जो रोल्स हैं ना उनको आपने सोक करना है। बादाम और पिस्ते, मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद हैं, आपको अगर पसंद हो, अच्छे लगते हो, आपको इस तरह कुछ बनाना हो तो ये दैट इज़ द रेसिपी दैट यू कैन यूज़। काजू, कुछ भी, जो भी, जिस तरह भी आपको, कुछ भी, बट ये जो रबड़ी है ये पहले से बना के रखेंगे, इसका फिलिंग पहले से बना के रखेंगे तो ऑब्वियसली आप इसको मैनेज कर सकेंगे। फिर यहाँ से थोड़ा सा दूध हम करेंगे पोर, ये देखें, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, ये देख लीजिएगा, मैंने ग्लास में भर दिया था गाजर का हलवा, ऊपर रबड़ी डाल दी थी और ये ब्रेड के टोस्ट हैं। और रिदा बना रही है तड़का में कटवा गोश्त और दही मसाला बैंगन, ज़रूर देखिएगा इसका शो भी, 2:30 बजे आता है लाइव, ठीक है जी। आज का हमारा शो ख़त्म हुआ चाहता है, विनर कौन है जी,
निदा है लाहौर से, मुबारक हो जी आपको। आई होप आपको ये दोनों मीठे अच्छे लगेंगे, आप इनको ट्राई करेंगे, फीडबैक दीजिएगा। बस दूध को उबालना बहुत ज़रूरी है, पहले से उबाल कर रख देंगे तो जल्दी ये स्पीड अप हो जाएगा, और जो अंदर हमने डाला था उसको भी उबालने का एटलीस्ट 20 मिनट्स आपको लगेंगे, ठीक है। दूध उबला हुआ होगा तो झटपट बन जाएंगे, नहीं उबला होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन आप तो जाहिर है दोनों रेसिपीज़ तो एक घंटे में नहीं बनाएंगे ना, आपके पास तो टाइम होगा। तो आई होप आप ये रेसिपीज़ इन्जॉय करेंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कल मुलाकात होगी विथ मोर यमी रेसिपीज़। देखना मत भूलिएगा पीर से जुमा फूड डायरीज लाइव है, दोपहर में 1 से 2 और रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।